नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। रोहतास में पीलर में फंसे करीब 11 साल के बच्चे को निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जी हां, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और वहां पर उस जगह पर का जायजा लेने के लिए उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हैं। उन्होंने भी इस स्थिति को देखकर बताया कि बहुत आश्चर्य वाली बात है कि आखिर ये बच्चा यहाँ पर आया कैसे। होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन बच्चा है, किसी भी तरीके से यहाँ पर आ गया है और स्थिति का उन्होंने जायजा लिया और उस बच्चे के माँ बाप से भी बात की और अधिकारियों से भी बात की और पूछा कि आखिर कितने देर में ये बच्चा जो है वो सकुशल बाहर आ जाएगा। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, सुनिए। बच्चा कल से ही फंसा हुआ है। अजीब सी घटना है, जिस जगह पे नहीं होना चाहिए था लेकिन किसी कारण से बच्चा है चला गया, कल से फंसा हुआ है। चिंता की बात तो जरूर है, प्रशासन के लोग लगे हुए हैं और बाकी रेस्क्यू के लिए टीम भी आ गई है। उम्मीद करते हैं, जैसा कि अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अब वहाँ तक पहुँच गए हैं लोग, जगह लगभग बन चुकी है निकालने की। उम्मीद करते हैं कि जल्दी बच्चा निकल जाएगा स्वस्थ स्थिति में बाहर। अधिकारियों से बात हुई है सर आपकी? हाँ, अधिकारियों से बात हुई है, उसके आधार पर जो जानकारी है अच्छी जानकारी है। लगभग रेस्क्यू का काम अब पूरा होने वाला है, बच्चा जल्दी निकल जाएगा। तो आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा इस घटना को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। वो अचंभित हैं और कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति होनी नहीं चाहिए थी, ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए थी। आश्चर्य की बात है कि आखिर ये बच्चा यहाँ पर आया कैसे, लेकिन बच्चा था, किसी भी तरीके से यहाँ पर आ गया। लेकिन वो अधिकारियों से भी बात की है और कह रहे हैं कि जानकारी जो मिली है अच्छी जानकारी मिली है। सभी अधिकारी कोशिश कर रहे हैं उस बच्चे को सकुशल वापस बाहर निकालने की। इसको लेकर जो वहाँ पर टीम पहुँचे हैं, जो पहुंचे हैं, उनका क्या कहना है? कितने देर से रेस्क्यू कर रहे हैं और कितनी परेशानी उन्हें हो रही है, बच्चे किस क्रिटिकल स्थिति में वहां पर हैं, इसको लेकर तमाम जानकारी वहां के अधिकारी दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी, सुनिए। चल रहा है सर, ये रात में हमारी टीम वहां से 12 बजे मूव कर गई थी और उसके पहले SDRF और यहाँ के लोकल प्रशासन लोग लगे हुए थे। बट जिस कंडीशन में बच्चा फंसा हुआ है, बड़ा क्रिटिकल कंडीशन दिख रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि बेहतर ढंग से उसे निकाल लिया जाए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं बन रहा है जिससे कि हमारा जो स्पेशल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन फिर भी हमारे रेस्क्यूअर बेहतर ढंग से लगे हुए हैं और होल बना लिया है। और जब होल बन गया है तो अप्रोच हमारा बन जाएगा और जैसे ही अप्रोच बनता है हम बच्चे को सही सलामत निकाल। कितना समय लगेगा इसका, हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकेंगे क्योंकि कोशिश में लगे हुए हैं। जिस समय से हमारी टीम आई है उसी किस्म से सबसे लगे हुए हैं और अभी तक काफ़ी कामयाबी मिली है, होल बन गया है। तो उसको अवॉइड करके हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी उसके लिए। बच्चे की क्या स्थिति है? बच्चे ठीक कंडीशन में है, मूवमेंट कर रहा है और उसको ऑक्सीजन का पाइप लगाया हुआ है और साथ में उसको कुछ खाने के लिए बिस्किट वगैरह उसे प्रोवाइड कराया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश प्रसाद हुआ, सहायक समादेष्टा 9 NDRF बीटा। तो आपने अधिकारी को सुना, उन्होंने बताया कि काफ़ी क्रिटिकल स्थिति है, बच्चा वहां पर फंसा हुआ है और रेस्क्यू अभी जारी है, लेकिन कितने देर में उन्हें निकाल लिया जाएगा इस बात की गारंटी वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ये कह रहे हैं कि सही सलामत बच्चे को निकालने के लिए पूरी कोशिश जो है वो भी की जा रही है। खबर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।